आइए दोस्तों, ग्रुप बाय के साथ हम काउंट फंक्शन और ऑर्डर बाय का भी यूज करना देखते हैं। देखिए, हमारे पास क्वारी है, सेलेक्ट काउंट कस्टमर आईडी कंट्री फ्रॉम, कहां से? कस्टमर टेबल से। यहां पर हमने ग्रुप बाय लगाया कंट्री पर, जो इसे ग्रुप बाय करेगा। फिर उसके बाद हमने ऑर्डर बाय लगाया काउंट कस्टमर आईडी पर, ठीक है, जो इसे डिसेंडिंग करेगा। चलिए देखते हैं इससे क्या मिलता है। दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहां हमने डिसेंडिंग लगाया, तो देखिए ये वाली जो रो है हमारी, ये वाली, इसको इसने बड़े से छोटे के क्रम में लगा दिया है, ठीक है, और उसी के हिसाब से ये इसका डाटा भी आ गया है। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।